हेलो गाइस, टेक्निकल एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, दिवाली बहुत जल्द आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं दिवाली के लिए। सब कोई घर को डेकोरेशन करने के लिए डेकोरेशन लाइट लगा रहा है। आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक काफी सिंपल और आसान तरीके से डेकोरेशन लाइट चेन बनाकर दिखाऊंगा, जिसे आप इस वीडियो को देखकर आसानी से घर पे बना सकते हो और इस दिवाली में घर को डेकोरेशन कर सकते हो। और ये जो डेकोरेशन लाइट है, ये काफी लंबा साइज का हम बनाने वाले हैं और ये पानी में भी खराब नहीं होगा। मान लीजिए आप घर पे डेकोरेशन करके रखे हैं और बरसात वगैरह हो जाता है, तो ये पानी से बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, काफी मजबूत है, आसानी से आप इसे बना सकते हो। तो चलिए फटाफट इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, डेकोरेशन लाइट बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा एलईडी, जो कि मैं लेके आया हूँ। पूरा पैकेट देख सकते हैं आप, इसके बिना तो डेकोरेशन लाइट नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ पर जो है 5mm एलईडी का जरूरत था, तो मैं यहाँ पर 5mm एलईडी लेके आया हूँ। और ये एक RGB एलईडी है, जिसमें रेड ग्रीन ब्लू कलर ग्लो होता है, ये जलने पर काफी मस्त ग्लो करता है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो है 100 एलईडी लेना है। इस एलईडी पर आपको दो लेग देखने को मिलेगा, एक बड़ा साइज का लेग और एक छोटा साइज का लेग। ये जो छोटा साइज का लेग है, ये इसका नेगेटिव लेग है, और ये बड़ा साइज का जो लेग है, ये पॉजिटिव लेग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सभी एलईडी का लेग जो है काट कर छोटा करना पड़ेगा। इतना बड़ा लेग का जरूरत हमें नहीं है, इसे काट कर छोटा कर देना है। एलईडी का जो ये छोटा लेग है, इसे आपको छोटे साइज में कटिंग करना है, और जो बड़ा साइज का लेग है, इसको आपको जो है थोड़ा सा बड़ा रखना है। इसी टाइप से आपको सभी एलईडी को, पूरा 100 एलईडी को जो है कटिंग कर लेना है। तो चलिए फटाफट मैं कटिंग कर लेता हूँ सभी का लेग। तो मैं यहाँ पर पूरे 100 एलईडी का लेग काट कर रेडी कर लिया हूँ। मुझे काफी लंबा चेन बनाना है एलईडी का, तो इसलिए मैं 100 एलईडी यूज कर रहा हूँ। तो इस एलईडी को हमें जो है आपस में कनेक्शन करने के लिए वायर का जरूरत पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इस वायर का यूज करूंगा। देखिएगा, इस कुछ इस टाइप का वायर ले लेना है आपको। तो यहाँ पर हमें जो है इस वायर को छोटे छोटे साइज में कटिंग कर लेना है, लगभग आपको 10 इंच करके पीस कटिंग कर लेना है। तो चलिए मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। तो गाइस, सेम इसी के मेजरमेंट का आपको टोटल 100 पीस वायर को जो है कटिंग कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट कटिंग करके रेडी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस पूरे 100 पीस वायर को कटिंग कर लिया हूँ। अब गाइस, इन सभी वायर के साथ में हमें इन सभी एलईडीज को कनेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर गाइस कनेक्शन जो है काफी इजी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50-50 एलईडी के दो चेन बनाएंगे। चलिए आपको मैं बढ़िया से इसका कनेक्शन कैसे करना है वो एक बार बता दूं। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको ड्राइंग करके थोड़ा सा बता दूं कनेक्शन कैसे होगा। मान लीजिए ये एक एलईडी, ये एक एलईडी, ये एक एलईडी, ये एक एलईडी, इसका ये दो लेग है, इसका ये पॉजिटिव लेग, इसका ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव लेग, ये नेगेटिव। इस तरीके से इसका जो ये वाला जो नेगेटिव लेग है, दूसरे वाले का पॉजिटिव पर कनेक्ट होगा, फिर इसके नेगेटिव तीसरे वाले के पॉजिटिव पर कनेक्ट होगा, फिर इसका नेगेटिव चौथे का पॉजिटिव पर कनेक्ट होगा। सेम इसी तरीके से हमारा टोटल जो है 50 एलईडी का कनेक्शन होगा। और सेम इसी तरीके से जो है हमें और एक चेन बनाना है 50 एलईडी का, तो टोटल हमारा जो है 100 हो जाएगा एलईडी का चेन। सेम इसी तरीके से हमें सीरीज में कनेक्शन करते हुए एक एक करके एलईडी को कनेक्शन करना है, 50-50 करके हमें दो चेन बनाना है। तो चलिए फटाफट मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। फाइनली गाइस, दोनों 50-50 एलईडी के चेन को मैं बना लिया हूँ। देखिए गाइस, इस तरीके से मैं सीरीज में कनेक्शन किया हूँ एक के बाद एक, तो दोनों को मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। अब गाइस, इन दोनों को हम साइड में रखते हैं। इसके बाद गाइस, मैं यहाँ पर इस पाइप को ले रहा हूँ। ये देखिए, ये एक वाटर लेवल पाइप है। तो इसमें क्या करना है, हमें इस पाइप में से छोटे छोटे पीस को कटिंग कर लेना है। लगभग 1 इंच के मेजरमेंट का आपको पीस कटिंग करना है, और सेम इसी टाइप से टोटल 100 पीस कटिंग करना है, जो कि मैं यहाँ पर कटिंग करके रेडी कर लिया हूँ। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जो है हल्का सा हॉट ग्लू डाल देना है कुछ इस टाइप से। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, इस एलईडी को लेना है और सिंपली इस तरीके से आपको जो है इसके अंदर डाल देना है, और इसके बाद गाइस इसके जो जॉइंट है वायर के, वहाँ पर भी आपको हॉट ग्लू डाल देना है कुछ इस टाइप से।
और इसे जल्दी ठंडा होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरा डायरेक्ट पानी में डाल देंगे तो ये बहुत जल्द ठंडा हो जाएगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पर पूरा ठंडा हो चुका है और मस्त टाइट हो चुका है। अब जो है यहाँ पर पानी वगैरह इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये पूरा सील हो चुका है। देखिए गाइस, पूरा ग्लू स्टिक के जैसा ही लग रहा है, जैसे कि मैं ग्लू स्टिक के अंदर एलईडी को फिट कर दिया हूँ ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे भाई बोलेंगे डायरेक्ट हम ग्लू स्टिक को यहाँ पर लगा देंगे तो इतना पाइप वगैरह लगाने का क्या जरूरत है। देखिए गाइस, ये जो ग्लू स्टिक है ये काफ़ी महंगा आता है, 10 रुपये का एक मिलता है। इतना इतना सा करके यहाँ पर लगाएंगे 100 LED पे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब खर्चा आ जाएगा LED चैन बनाने में। तो इसलिए मैं इस वाटर लेवल पाइप का यूज़ किया हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा ही हॉट ग्लू डालने पर ये पूरा भर जाता है और उसके बाद LED को हम डाल के पैक कर देते हैं। इससे काफ़ी अच्छे से ये पूरा जो है सील हो जाता है और पानी वगैरह इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये बढ़िया जुगाड़ है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से सभी LED को इस पाइप के अंदर हॉट ग्लू डालकर पैक कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूं। तो फाइनली गाइस, सभी LED को मैं पाइप के अंदर डाल के हॉट ग्लू से पैक कर दिया हूँ। ये 50 LED चेन कंप्लीट हो चुका है, ये भी 50 LED चेन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हमें इन दोनों LED चेन को जो है पैरेलली कनेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये जो LED है ये सबसे लास्ट वाला LED है और इस चेन का ये वाला सबसे लास्ट वाला LED है। दोनों का जो नेगेटिव लेग है वो छूटा हुआ है, तो यहाँ पर हमें जो है दोनों का नेगेटिव एक साथ में कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए मैं एक छोटा सा वायर ले लिया हूँ। इसका जो लंबाई है वो आपको इस वायर के आधा रखना है, मतलब ये 10 इंच का वायर है तो हमें जो है 5 इंच का एक इस टाइप का वायर ले लेना है और इसको जो है यहाँ पर कनेक्शन कर देना है दोनों का नेगेटिव एक साथ में। अब गाइस, फिर से हमें इस वायर को लेना है। यहाँ पर मैं रेड कलर का वायर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें इस वायर को जो है नेगेटिव पर लगाना है। तो यहाँ पर लास्ट वाले दोनों LED का जो नेगेटिव एक साथ में कनेक्ट हुआ है उसके एक पॉइंट पर आपको जो है इस वायर को कनेक्ट कर देना है। किसी भी एक ग्लू, इसका भी नेगेटिव पर लगा सकते हैं, इसका भी नेगेटिव पर लगा सकते हैं, दोनों पैरेलली कनेक्ट है तो उसी पर आपको जो है एक इस वायर को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर गाइस, LED के नेगेटिव लेग पर ये नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ। अब गाइस, ये दोनों चेन का जो ये फर्स्ट वाला LED है उसके पास में जाएगा लपेटते हुए, ये नेगेटिव वायर बिल्कुल फर्स्ट में जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया है और इन दोनों चेन का जो ये पॉजिटिव वायर है इसको हम आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव। अब यहाँ पर पावर देने पर ये सभी LED जो है काफ़ी अच्छे से ग्लो करेगा, लेकिन उससे पहले हमें इस दोनों चेन को और इस नेगेटिव वायर को आपस में लपेटते हुए एक चेन बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों खुले हुए जो LED है उसको जो है इस तरीके से कवर करना है, तो चलिए इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोनों LED को मैं पैक कर दिया हूँ अच्छे से। अब जो है हमें इन तीनों वायर को आपस में लपेटते हुए एकदम आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये जो मैं छोटा सा एक वायर लगाया था इसके लिए लगाया था क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 इंच का वायर है दोनों का, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर 5 इंच का वायर लगाकर मैं इस LED को सेंटर में लेके आ चुका हूँ। दोनों LED के बीच में 5 इंच का गैप रहेगा, देखने में काफ़ी बढ़िया लगेगा। अगर 10 इंच का इस तरीके से गैप रहता तो ये थोड़ा सा दूरी में रहता तो उतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ पर मैं देख सकते हैं ये 5 इंच का एक वायर जोड़कर इसको सेंटर में ला दिया हूँ एक चेन के। तो इसी तरीके से हम जब देखेंगे इस तरीके से पकड़ेंगे तो देख सकते हैं 5-5 इंच के जो है गैप आ चुका है। अब चलिए इसको मैं लपेट लेता हूँ बढ़िया से। तो फाइनली गाइस, सभी LED को जो है मैं यहाँ पर अच्छे से लपेट लिया हूँ। पूरा चेन जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये जो दोनों वायर है ये दोनों LED चेन का पॉजिटिव वायर है, 50-50 LED के एक एक वायर है। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, पैरेलली जोड़ देना है। 100 LED का पूरा कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है और ये जो है हमारा नेगेटिव डायरेक्ट लास्ट वाला LED से जो है आया है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यहाँ पर हम पावर देंगे तो ये सारे LED जो है काफ़ी अच्छे से ग्लो करेगा। तो इस पूरे 100 LED चेन को हम AC से चलाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें जो है एक सर्किट लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट हम AC कनेक्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले एक सर्किट लगाएंगे और उसके बाद हम AC से चलाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 474J 250 वोल्ट का 3 PF कैपेसिटर। तो इस टाइप से 3 PF कैपेसिटर ले लेना है आपको और इन तीनों PF कैपेसिटर को हमें पैरेलली कनेक्ट करके आपस में जोड़ देना है इस तरीके से। तो चलिए मैं इसको मोड़ लेता हूँ। ग
गाइज इस कैपेसिटर में कोई भी पोलैरिटी नहीं होता, पीसीबी साइड जो है आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं सोल्डिंग करके बढ़िया से जोड़ देता हूँ। इसके बाद गाइज आपको एक 1 मेगा ओम का क्वार्टर वाट का रेजिस्टर ले लेना है और इस रेजिस्टर को आपको जो है इस पीएफ कैपेसिटर के दोनों लेग पर इस टाइप से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद गाइस 4 डायोड ले लेना है, ये 1N4007 नंबर का 4 डायोड है। तो इन चारों डायोड में से 2 डायोड को आपको लेना है और इन दोनों डायोड के जो ये सिल्वर कलर के साइड है, इन दोनों साइड के लेग को जो है आपस में आपको इस टाइप से मोड़ लेना है और बाकी जो ये दोनों है, इन दोनों के जो ब्लैक साइड है, इन दोनों ब्लैक साइड को आपस में इस तरीके से जोड़ लेना है। और इसके बाद गाइस इन दोनों पेयर को इस तरीके से जो है आपको आपस में जोड़ लेना है या फिर आप इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट मैं इसको भी मोड़ लेता हूँ। तो जिसी टाइप से चारों डायोड को कनेक्ट करके आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। अब चलिए चारों लेग को बढ़िया से सोल्डिंग कर लेता हूँ मैं। अब गाइस इस पीएफ कैपेसिटर को इस ब्रिज रेक्टिफायर के साथ जोड़ना है। देखिए गाइस यहाँ पर जो ये जो दोनों डायोड है, इसके एक साइड सिल्वर कलर है और एक साइड ब्लैक कलर है, तो इसी पॉइंट पर हमें इस पीएफ कैपेसिटर के एक लेग को जोड़ना है या फिर आप इसके ऑपोजिट साइड यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं और ये दोनों साइड हमारा जो है एलईडी का वायर कनेक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं इसी साइड पर जोड़ देता हूँ। अब इसके ऑपोजिट पॉइंट पर आपको एक 1.5 ओम का रेजिस्टर लगा देना है इस जगह पर। ये एक फ्यूज़ का जैसा काम करेगा। मान लीजिए आपका एलईडी कहीं पे शॉर्ट होता है तो ये फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा, सर्किट आपका बचा रहेगा और एलईडी भी आपका सेफ रहेगा। इसके बाद गाइस आपको एक एसी कॉर्ड ले लेना है इस टाइप का और इस कॉर्ड को हमें फटाफट इसमें कनेक्ट कर देना है सर्किट बोर्ड में। एक वायर इस पीएफ कैपेसिटर के इस पॉइंट पर कनेक्ट करना है और दूसरा वायर हमारा ये जो रजिस्टर है 1.5 ओम का 2 वाट का रेजिस्टर है, इसके यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। और सबसे लास्ट में गाइस आपको एक कैपेसिटर ले लेना है जो कि ये 4.7 UF का है और 450 वोल्ट का है। तो इसे हमें जो है यहाँ पर लगाना है इसके आउटपुट पॉइंट पर। ये देखिए गाइस दोनों डायोड का जो ये सिल्वर पट्टी है, इस साइड ये हमारा जो है पॉजिटिव आउटपुट है और ये जिधर ब्लैक साइड का पट्टी दोनों जुड़ा हुआ है उधर हमारा नेगेटिव आउटपुट है। तो इसको भी हमें जो है नेगेटिव पॉजिटिव देखकर लगाना है। तो ये जो सर्किट है कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसमें एलईडी का वायर जो है कनेक्ट कर देते हैं। देखिए गाइस एलईडी का जो ये नेगेटिव वायर है, इसमें आपको जो है इस नेगेटिव आउटपुट पर कनेक्ट करना है। तो इसको यहाँ पर मैं सोल्डिंग कर देता हूँ फटाफट। तो गाइस इस तरीके से कनेक्शन कर लेना है। अब गाइस इस पूरे सर्किट को कवर करना होगा, हाथ वगैरह लगा देंगे तो एसी सप्लाई है, यहाँ पर शॉक लग सकता है क्या, शॉक लगेगा। यहाँ पर कवर करना है बढ़िया से आपको। तो मैं यहाँ पर कवर करने के लिए इस टाइप का एक बॉक्स ले लिया हूँ। देखिए गाइस इस टाइप का आपको कोई सा भी एक बॉक्स के अंदर इसको पैक कर देना है। चिपक गया है। तो गाइस फाइनली हमारा ये 100 LED से बना हुआ ये RGB LED चेन कंप्लीट हो चुका है घर को डेकोरेशन करने के लिए। चलिए एक बार जलाकर टेस्टिंग कर लेते हैं। चलिए गाइस गाइस एलईडी चेन को टेस्टिंग करने के लिए मैं टेबल के ऊपर स्टेप से बिछा दिया हूं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। और इस एलईडी चेन में टोटल 100 LED लगे हुए हैं तो इसलिए ये काफ़ी लंबा हो चुका है। इसका जो लेंथ है वो 40 फुट है, मतलब समझ ही सकते हो कितना लंबा ये एलईडी चेन है। तो चलिए फटाफट मैं एसी बोर्ड पे कनेक्ट कर देता हूं इसका जैक को और स्विच को मैं जैसे ऑन किया हूं। देखिए गाइस सारा एलईडी जो है काफ़ी मस्त ग्लो हो रहा है। तो चलिए फटाफट लाइट बंद करके आपको दिखाते हैं इसका नज़ारा कैसा होता है। वाओ गाइस क्या मस्त नजारा है, देखने में एकदम मस्त लग रहा है। गाइस यहां पर पूरा 100 LED यूज किया हूं मैं और फर्स्ट टाइम 100 LED का चेन बनाया हूं। काफी मस्त और काफी ज्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा है। 50 LED का चेन मैं पहले भी बनाया हूं लेकिन इससे थोड़ा सा कम ब्राइटनेस है, उसमें 50 LED है इसलिए थोड़ा कम है। ये 100 LED है तो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस यहाँ पर लग रहा है और हर एक LED जो है काफी मस्त ग्लो कर रहा है। यहाँ पर देखिए गाइस ये जो LED है ये छोटा सा LED है, देखने में लग रहा है इतना बड़ा सा LED है। ये सिर्फ इस पाइप के वजह से और अंदर जो हॉट ग्लू डाला हुआ है उसके वजह से कलर जो है पूरे में यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि इतना बड़ा बड़ा LED है लेकिन छोटा सा LED है। तो यहाँ पर काफी अच्छे से जो है सभी LED बहुत बढ़िया से ग्लो कर रहा है और देखने में काफी मस्त लग रहा है। आप भी इजीली इस डेकोरेशन लाइट को घर पे ही बनाकर इस दिवाली में घर को डेकोरेशन कर सकते हो।
ये डेकोरेशन लाइट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर।